हेलो गाइस, आज की वीडियो होगी वुमन फ्लैग पे। मैं आपको वुमन फ्लैग करके बताऊंगा तीन तरीके के। वुमन फ्लैग करना कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है, देखने में मुश्किल लगता है, बस उसकी ट्रिक पता होनी चाहिए आपको। जब तक ट्रिक नहीं पता होगी तो आपसे होगा नहीं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक करने के बाद आपको यूज बताऊंगा कि इसके लिए करने के लिए आपको किन किन वर्कआउटों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप इसे जल्दी सीख जाओगे। आप देखें, मैं आपको फ्लैग करके दिखाता हूँ। इस फ्लैग को करने के लिए हमारा सीधा हाथ जो है, सीधा हाथ यूँ रखता हूँ, मगर ज़्यादातर ये लोग उल्टे हाथ से करते हैं, तो उल्टा हाथ आपको नीचे वाला यूँ रखना पड़ेगा और ऊपर वाला हाथ आपको यूँ नहीं पकड़ना है, इसको यूँ पकड़ना है इसके पीछे की तरफ। जैसे ये हमारा मेरा सीधा हाथ है, मैंने इसको यूँ रख दिया, बस टिकाने का काम आता है। यूँ रख के इसको टिका दिया मैंने हाथ को, बाकी आपको सीधा हाथ यहाँ से ऐसे रखना, फिर आपको करना है, क्योंकि फिर आपकी बॉडी एक तरीके से रस्सी की तरह बैलेंस करेगी। और बाकी आप अगर आप यूँ पकड़ के यूँ करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी को घूमने नहीं देगा मूवमेंट। और जब भी आप फ्लैग करते हो तो ये बॉडी यूँ बाहर नहीं रखनी, इसको करते समय मुंडी के अंदर रखना, फिर आपको बॉडी ऊपर की तरफ धीरे धीरे फेंकनी है, फिर आपकी बॉडी खुद ही सीधी हो जाएगी। नहीं होगी तो आप या तो पूरा ऊपर फेंक दो या तो नीचे फेंक दो, नहीं तो टक ट्राई करो। मैं टक आपको बताता हूँ, इसके लिए तीन तरीके के टक है, मैं आपको तीन टक बता रहा हूँ। गाइस, फ्लैग करने के लिए तीन टक की जरूरत है, मैं आपको तीनों टक करके दिखा रहा हूँ कौन कौन से। आपने देखा होगा मैंने फ्लैग कैसे किया है। ये टक से फ्लैग के पहले आपको पैर ही जोड़ के रख दें, पहले आपको इसमें होल्ड निकालना होगा 25 से 30 सेकंड का। जब इसमें होल्ड हो जाएगा फिर आप एक पैर खोलें, फिर पैर एक खोलने के बाद फिर दूसरे पैर को और आधा खोलें, फिर तीसरा पैर खोलें, फिर आपसे हो जाएगा। और इससे आप पहले ऊपर खोलें, फिर ऊपर से धीरे धीरे नीचे लेके आने की कोशिश करना, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। और काफ़ी लोग ऐसे ही करते, तो मैं आपको इसी ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो डायरेक्ट मैं जिससे करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं डायरेक्ट ऐसे पैर जोड़ के ऐसे उठा के फिर ऐसे खोल देता हूँ, मगर ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, आप उसे ही ट्राई करें। और दो तरीके के और फ्लैग है, वो काफ़ी आसान और इजी है, मैं आपको वो दोनों बता देता हूँ। आप अगर इस, क्योंकि आपको करते समय नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो आपका थोड़ा मन हट जाएगा इस चीज़ से, तो मैं आपको वो दो चीज़ बताता हूँ, वो करोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। वो दो चीज़ की ट्रिक बिल्कुल ईजीली आप देख सकते हैं। तो सीधा हाथ आपके यहाँ ऐसे रखना और ये हाथ अपना यूं रखना और इस तरह से लेट जाना बिल्कुल सीधा। ये फ्लैग आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक और फ्लैग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप ऐसे खड़े हैं, यहाँ से इस हाथ इधर लाके इसको आपको पेट के सटा के यूं उठा देना, एक ही ये फ्लैग है। ये तीन तरीके के फ्लैग मैंने आपको बताया, ये दो काफ़ी इजी है, आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, आपसे बहुत जल्दी हो जाएंगे। बाकी वो मुश्किल, और इनको करने के लिए कुछ वर्कआउट की ज़रूरत पड़े। गाइस, फ्लैग करने के लिए हमें कोर की स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है और शोल्डर की, तो इसके लिए कुछ वर्कआउट्स हैं, जैसे लेग रेजेस होल्ड हो गया, क्रंचेस हो गया, आप मारते तो कोर की स्ट्रेंथ बढ़ती है। मगर एक एलसीड होता है, एलसीड मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आप इसे करने के लिए, और इसमें 25 सेकंड का होल्ड निकाले फिर आपसे फ्लैग जल्दी हो जाता है। मैं एलसीड आपको करके दिखाता हूँ, उससे एलसीड कैसे करता है आप देखिए। आपने देख लिया होगा मैंने एलसीड कैसे किया है। इस एलसीड में आपको 25 सेकंड होल्ड निकालना है, और इसमें पुलअप भी होते हैं, पुलअप भी मार सकते हो आप, चिनअप भी होते हैं, चिनअप भी मार सकते हो। जब ये दोनों चीज़ आपसे होने लग जाएंगी तो फ्लैग आपको काफ़ी इजी होगा। और मैं आपको दो तीन प्लैंक होल्ड करके बताता हूँ फ्लैग के लिए, वो हम अभी आगे चल रहे तो दिखाता हूँ। गाइस, मैंने आपको बताया था फ्लैग करने के लिए आपको कुछ प्लैंक होल्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको प्लैंक होल्ड करके बता रहा हूँ। सिंपल वाला प्लैंक होल्ड तो आप सबको पता ही होगा, यूँ नॉर्मली करते हैं हम लोग, ये आपको करते ही रहना है। मगर एक प्लैंक होल्ड होता है जो हम यूँ साइड से करते हैं, इसमें हाथ हम यूँ क्लोज करके करते हैं, उसमें हाथ यूँ खोल के करना है, क्योंकि हमारे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब हम हाथ नीचे रखते हैं वुमन फ्लैग करने के लिए, तो ये बैंड भी होंगे और पावर से मतलब हमारे सपोर्ट करेंगे, और ऊपर वाले हाथ से हमें ज़्यादा काम नहीं था, बस खींचना होता है, तो खींचेंगे तो फ्लैग हो जाएगा। तो मैं आपको प्लैंक होल्ड बता रहा हूँ इसका। ये प्लैंक होल्ड है इसका,
और इसके अंदर आप क्रंचेस भी मार सकते हैं ऊपर नीचे साइड के लिए थोड़ा पावर बढ़ाने के लिए। और अगर आप फ्लैट करते हो बार पे डायरेक्ट तो नहीं हो रहा, आपकी बॉडी नहीं खुल रही है, तो आप किसी बार को पकड़ के ना धीरे धीरे ऊपर फेंकने की कोशिश करें। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फेंकना, किसी ऊपर बार को ऐसे पकड़ लें आप इसे ट्राई करें, फिर आप बार पे ट्राई करना अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं खुल रहा तो। और फिर अगर आपसे होने लग जाएगा तो आप धीरे धीरे खोलते जाओगे, पैर टक से खुल जाएंगे। और गाइस मैं अगली वीडियो लाऊंगा आपके लिए डाइट के लिए कि किस वेट के हिसाब से किस बंदे को किस हिसाब की डाइट चाहिए होती है और किस एज के हिसाब को क्या लेना चाहिए क्या खाना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको जिम के लिए अलग डाइट और बच्चों के लिए अलग ही होती है, जिम वालों के लिए तो काफ़ी हाइट होती है, जो हमारे 16 साल से कम एज के लड़के हैं उनके लिए भी मैं आपको डाइट बता दूंगा। तो अगली वीडियो की वेट करना। और ये गाइस बिगिनर्स के लिए फ्लैग नहीं है, ये उनके लिए है जिन्हें फ्लैग के नॉलेज नहीं और उनके अंदर पावर स्ट्रेंथ है, तो मैंने उनके लिए बनाई है। बिगनर्स के लिए एक वीडियो ला के दूंगा, जो बिगनर्स के लिए होगी थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस वीडियो देखने के लिए, और भाई को थोड़ा सपोर्ट करें यार, वीडियो शेयर करो।